दोस्तों मुझे कुछ अशार इस वक्त में याद आ रहे हैं, मैं कुछ अशार पढ़ दूँ ताकि आप मुशायरे से जुड़ जाए। मुझे याद आ रहा है कि मुझे तो उसकी दुआ में ऐसा नहीं लगता जिसे हराम भी खाने से दर्द नहीं लगता। मुझे तो उसकी दुआ में ऐसा नहीं लगता जिसे हराम भी खाने से डर नहीं लगता। और कुछ इस तरह से हुआ है सुलूक सोतेला कि मेरा घर भी मुझे मेरा घर नहीं लगता। एक शेर देखेंगे, मुझे यारब ऐसी अदा बख्शते, मुझे यारब ऐसी अदा बख्शते जिसे देख कर तू खता बख्शते। एक शेर ये समाज करें कि सफे आखिर में मुझको मत खड़ा कर, मैं सदियों से इमामत कर रहा हूं। इन अशार के खालिक हैं डॉक्टर जिया टोकरी, जो राजस्थान के शहर टोंक से हमारे इस मुशायरे में तशरीफ लाए। जिया टोकरी अरबी शोहरत याफ्ता शायर। दरअसल जिया टोकरी की मकबूलियत का राज सलाउद्दीन भाई जिया टोकरी राजस्थान की सरजमीन टोंक से हमारे इस मुशायरे में तशरीफ लाए। बहुत मकबूल शायर, मारूफ शायर जिया टोकरी की मकबूलियत का राज दरअसल उनकी नूरानी आवाज और गजल का क्लासिकी लहू लहजा। जिया टोकरी की गजलों का मवाद अगर पिघला हुआ शीशा है तो उनकी आवाज एक चश्मे शहजाद है। जिया साहब की आवाज सुनते ही कानों में शहर के जायके घुलने लगते हैं और उनके अशार दिलों में उतरते चले जाते हैं। मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ आवाज देता हूँ आलमगीर शोहरत याफ्ता शायर, बहुत महबूब शायर डॉक्टर जिया टोकरी तशरीफ लाए और आज के इस मुशायरे को मजीद विकार के साथ आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम रईस निज़ामी साहब का मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ उन्होंने। मैं इतना बेहतर शायर नहीं हूँ जितना बेहतर उन्होंने मेरा तारुफ कराया है। हजरत गिरामी, ये हेलोजन जो हमें रोशनी दे रही है ये भी हमें रोशनी देती है, और एक चिराग जो रोशन किया जाता है वह भी हमें रोशनी देता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? दोनों में फर्क ये है कि इस बल्ब से, इस हेलोजन से दूसरी हेलोजन रोशन नहीं की जा सकती, लेकिन एक चिराग से हजारों लाखों चराग रोशन किए जा सकते हैं। और वो शख्सियत हमारे दरमियान मोहतरम सैयद सलाहुद्दीन साहब की शख्सियत है, जिन्होंने अपने मुशायरों के ज़रिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शेर गोई के नए नए चराग रोशन कर दिए हैं। आपका हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्तकबाल करते हैं। अक्सर अंजुम बाराबंकवी साहब जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे गुफ्तगु होती रहती है, अभी कल भी गुफ्तगु थी, आपका भी जिक्र उसमें छिड़ा। आइए हजरत, एक बार मैं राही साहब और दीगर तमाम जितने भी अक्कू भाई पप्पू भाई नाम भी मैं लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कहीं मैं गलती से कुछ ना ले लूँ। इक्कू कहा या पप्पू कहा मुझे मालूम नहीं, वो काफ़िए हैं दो हमारे यहाँ, तो वो उन दोनों काफ़ियों को, अच्छा पप्पू भाई भी हैं और इक्कू भाई भी हैं, अल्लाह ताला इन्हें पप्पू रखे हमेशा। और मैं ये दुआ, ये बद्दुआ नहीं है बल्कि दुआ है, पप्पू वो होता है जिसमें बचकानापन होता है उसे पप्पू कहा जाता है, और इंसान हमेशा अगर पप्पू बनकर रहता है तो उसकी हमेशा कदर की जाती है, उसकी इज्जत की जाती है। आइए हजरात, मैं बगैर किसी मजीद गुफ्तगू के अपनी बात शुरू करता हूँ। यहीं से ही सबसे पहले चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, सैयद सलाहुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, गुफ्तगू वहीं से शुरू हुई थी, और मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि खुशबू को कहीं कैद कराया नहीं जाता। खुशबू को कहीं कैद कराया नहीं जाता, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता, और सोना तो फकत सोना है, सोने की परख क्या, सोने पे कोई रंग चढ़ाया नहीं जाता। आदाब, सोने पे कोई रंग चढ़ाया नहीं जाता। शाहजहांपुर आना हुआ है एक अरसे के बाद, हाजिर हुआ हूँ, हनीफ भाई का शुक्रगुजार हूँ।
हाँ हजरत गिरामी, फिर कुछ अशार पेश करने की इशारत कर रहा हूँ। कुछ अशार जो मैं पढ़ना चाहता था वो हमारे मेरे तारुफ में मोहतरम नाजिम मोहतरम रईस भाई ने पेश कर दिए, फिर भी मैं पेश कर रहा हूँ। नौजवान हजरात थोड़ा सा अगर आप तवज्जो दे दें, थोड़ी सी अगर खामोशी इख्तियार कर लें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिलों तक भी पहुँचूँ। जरा सी खामोशी इख्तियार कर लीजिए, मैं बिल्कुल पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ। पहले कुछ थोड़ा सा मुशायरा पढ़ूँ आप, इसलिए कि मुझे मालूम था कि आप वो भी सुनना चाहते हैं। तो मैं एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ कि हमारी बेबसी को खूब टकराना भी आता है, हमारी बेबसी को खूब टकराना भी आता है, जो खुददारी पे आ जाए तो मर जाना भी आता है, जो खुददारी पे आ जाए तो मर जाना भी आता है। और वो अपनी देशभक्ति का चलन हमको न समझाए, समझना भी हमें आता है समझाना भी आता है, समझना भी हमें आता है। बिल्कुल मैं हाजिर करता हूँ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं आपको जगाना चाहता था, मैं अच्छी शायरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी हाँ, हमारी बेबसी को खूब टकराना भी आता है, जो खुददारी पे आ जाए तो मर जाना भी आता है। वो अपनी देशभक्ति का चलन हमको न समझाए, समझना भी हमें आता है समझाना भी आता है, समझना भी हमें आता है समझाना भी आता है। बहुत 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 शुक्रिया नवाजिश। मैं एक चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ, सैयद सलाहुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनकी मौजूदगी में अगर अच्छी शायरी अगर सुनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप भी अच्छी शायरी सुनने की आदत डालें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हाजिर करता हूँ कि उसको रुसवाई से बचाने में, उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं, उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं, कब करेगा वो एतबार जिया क्या कलेजा निकाल कर रख दूं, कब करेगा वो एतबार जिया, कब करेगा वो एतबार जिया क्या कलेजा निकाल कर रख दूं, क्या कलेजा निकाल कर रख दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे इसी तरह और हाजिर कर दूं, अगर आप सुन लें अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा हाजिर करता हूँ कि मिसालें गुंग हैं, सही सलाहुद्दीन साहब ही चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। अच्छा, मिसालें गुंग हैं मुंह फक हुए हवालों के, मिसालें गुंग हैं मुंह फक हुए हवालों के, तेरे ख्याल से जलते हैं पर ख्यालों के, तेरे ख्याल से जलते हैं पर ख्यालों से, तू वो जवाब है फितरत के दस्ते नाजुक का, तू वो जवाब है फितरत के दस्ते नाजुक का, तू वो जवाब है फितरत के दस्ते नाजुक का, हवास गुम है तेरे सामने सवालों के, हवास गुम है तेरे सामने सवालों के। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक शेर मेरा पढ़ा जो कई मुल्कों में अखबारों की सीमित बना, मैं उसी गज़ल के दो तीन शेर सुनाता हूँ। नौजवान आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ। हिमाकत पर हिमाकत कर रहा हूँ, हिमाकत पर हिमाकत कर रहा हूँ, मैं फिर अपनों से उल्फत कर रहा हूँ, मैं फिर अपनों से उल्फत कर रहा हूँ। और अब शेर सुने नौजवानों। चरागे सुबह हूँ माना ये लेकिन, चरागे सुबह हूँ माना ये लेकिन,
नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आंधी से बगावत कर रहा हूँ, मैं आंधी से बगावत कर रहा हूँ। शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मेहरबानी मुशायरे को उठाएं, डायस से गुजारिश करूंगा मैं। चराग़े सुबह हूँ माना ये, लेकिन मैं आधी से बगावत कर रहा हूँ। और शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ, अगली सब से लेकर पिछली सब तक की ताई चाहूंगा हाजिर कर रहा हूँ। अगर आपकी तारीफ है तो शायद मैं समझता हूँ कि आप खामोश नहीं रहेंगे हाजिर कर रहा हूँ। मैं आधी से बगावत कर रहा हूँ, सफे आखिर में मुझको मत खड़ा कर, सफे आखिर में मुझको मत खड़ा कर, मैं सदियों से इमामत कर, सैयद साहब का हुक्म है और ये सैयद साहब के खानवादे का ही जिक्र है इसमें, इस शहर में सैयद साहब का हुक्म हाजिर कर रहा हूं। सफे आखिर में मुझको मत खड़ा कर, मैं सदियों से इमामत कर, मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ। मैं एक प्लाट यहाँ पर लूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर नाम पता चल जाएगा, हाजिर कर रहा हूँ। मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ। और शेर देखिए बड़ा नाजुक सा शेर है, हाजिर कर रहा हूँ जी भाई, देखिए। मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ, नजर का दर नजर से खट खटा कर, नजर का दर नजर से खट खटा कर, शराफत से शरारत कर, शराफत शरारत कर रहा, शराफत से शरारत कर रहा हूँ। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ और शाहजहाँपुर के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हाजिर करता हूँ सिर्फ शाहजहाँपुर शहर के लिए हाजिर कर रहा हूँ, सैयद सलाहुद्दीन साहब की मौजूदगी में, राही साहब की मौजूदगी में हाजिर कर रहा हूँ। शराफत से शरारत कर रहा हूँ, मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ, मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ, मुझे इस शहर में आकर लगा है, मुझे इस शहर में आकर लगा है, मोहब्बत से मोहब्बत कर, शाहजहाँपुर शहर है, मैं तो पानी पीने गया था। मैं हाँ। हाँ। मैं हाजिर कर रहा हूँ गजल, नहीं बिल्कुल मैं हाजिर कर रहा हूँ गजल सुने।
और मैं कुछ अच्छे से शेर सुनाऊंगा और फिर गजल सुनाऊंगा, हाजिर कर रहा हूँ। देखिए अभी एक थोड़ा सा मुशायरा हमारे नौजवानों के लिए, फिर मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। अभी एक मामला उठा, पर्दा जरदा क्या क्या था, मैं हाजिर कर रहा हूँ। हमारा पर्दे से क्या ताल्लुक है, मैं हाजिर कर रहा हूँ। पर्दा औरत का तहफ्फुज़ है हया है देखो, हाजिर कर रहा हूँ सही सलाहुद्दीन साहब। पर्दा औरत का तहफ्फुज़ है हया है लोगों, इसके किरदार पे उंगली ना उठाई जाए। पर्दा औरत का तहफ्फुज़ है हया है लोगों, इसके किरदार पे उंगली ना उठाई जाए। और जिनसे शर्मिंदा हो औरत की यहां पर इस वक्त, पहले उन कपड़ों पे पाबंदी लगाई जाए, पहले उन कपड़ों पे। पहले उन कपड़ों पे पाबंदी लगाई जाए। और ये नौजवान हजरात आपके लिए चार मिसरे, अब आपको इस नस्ल को संभालना है, हाजिर कर रहा हूँ। मिटा दो आपसी नफरत को अपनी हैसियत समझो। ये हमारे जितने भी झगड़े हैं मसलकों के, उनको सबको खत्म कर दीजिए। देवबंदी और बरेलवी और जमात इस्लामी और सब हाजिर कर रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ। मिटा दो आपसी नफरत को अपनी हैसियत समझो। रसूले पाक की सुन्नत पे चलकर नेक हो जाओ। और तुम्हारे हाथ में इस दौर की तकदीर लिखी है, बदल सकते हो दुनिया को अगर तुम एक हो जाओ। बदल सकते हो दुनिया को। राजेश बहुत बहुत शुक्रिया। बदल सकते हो दुनिया को अगर तुम एक हो जाओ। हाजिर कर रहा हूँ एक गजल का, मुझे हुक्म हुआ है सही सलामती साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं चाह भी रहा था कि गजल भी सुनाऊं, मेरे कशकोल में सभी चीजें मौजूद हैं, मैं हाजिर कर रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। इश्क की का इनात कुछ भी न थी, सुने इश्क की का इनात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी, दिल का झगड़ा दिल का झगड़ा था कुछ भी ना, दिल का जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा। बड़ा हमें फख्र है हिंदुस्तान में शाजापुर का जिक्र करते हैं, राही साहब का जिक्र करते हैं। आपकी समातों पर बड़ा नाज है हमें, हम तमाम शोरा को हाजिर कर रहा हूँ। आप अच्छी शायरी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, मौत आने से ये हुआ जाहिर, सुने मौत आने से ये हुआ जाहिर, जिंदगी अपने हाथ कुछ भी न थी, जिंदगी अपने हाथ कुछ भी न थी, जिंदगी अपने। सही साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, इनके नाना का जिक्र है इसमें और रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र है। सुनिए हाजिर करता हूँ शेर, हाजिर करता हूँ भाई साहब। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा उनके आने पे ये खुला हम पर। वो तसव्वुर रखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
उनके आने पे ये खुला हम पर उनसे पहले हयात कुछ नौजवानों को मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने मुशायरों को जिंदा रख रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप लोग भी मोहब्बत करते हो तो थोड़ी सी जरा सी आवाज अपनी तरफ से लगा दीजिए। ऐसा हाजिर कर रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ। उनके आने पे ये खुला हम पर उनसे पहले हयात कुछ भी न थी, उनसे पहले हयात कुछ भी न थी, उनसे पहले। बहुत शुक्रिया। ये सब इमाम हुसैन पे सुनाना है जी, उन पे सुनाएंगे इंशाल्लाह। उनसे पहले हयात कुछ भी न थी। और शेर शेर सुने आप, गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत सा शेर है। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी। रईस भाई तुम गए शब तवील थी कितनी, तुम गए शब तवील थी कितनी, तुम जो आए तो रात कुछ भी न थी। तुम जी मैं हाजिर कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का नवाजिश, बहुत कुछ अपनी झोली में लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह हाजिर कर रहा हूँ। सुबह का रिजर्वेशन है लेकिन आप जैसा मुनासिब समझिए हाजिर कर रहा हूँ। तुम गए शब तवील थी कितनी, तुम जो आए तो रात कुछ भी न थी, तुम जो आए तो रात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी। और हजरात इस महफिल में मुझे सफ़े अव्वल से सफ़े आखिर तक सभी लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है आज साहिब जश्न सैयद सलाहुद्दीन साहब सबके मंजूर नज़र हैं, और राय साहब आपकी जानिब से उन तक शेर पहुंचा रहा हूं। मोहतरमा आपसे भी खास तौर से हाजिर करता हूँ। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, एक झलक तो जिया दिखा देते, एक झलक तो जिया दिखा देते, हुस्न की क्या ज़कात कुछ भी।